So let's talk about it. रुचिज़ मैंने शायद आज से 5 साल पहले एक्सपीरियंस की और 8 साल पहले एक्सपीरियंस की वो तुम लोगों ने भी अपनी ज़िंदगियों में एक्सपीरियंस की एंड दैट इज़ अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप का लॉस. जब आप अपने पेरेंट्स को लूज़ करते हैं, यू हैव लॉस्ट योर फादर इन 2016, यू हैव लॉस्ट योर मदर इन 2015 एंड आई लॉस्ट माई मदर इन 2002 एंड व्हेन इट ऑल हैपेंड हम लोगों को जो शेक मिलता है, जो एहसास होता है, जो हम रियलिटी चेक आता है, जो हम इनको इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं इन रिश्तों को और हम इमेजिन भी नहीं करते कि हमारे साथ ये हो सकता है. तो आई थिंक जिन लोगों ने शायद ये एक्सपीरियंस नहीं किया है या जो लोग ये शायद इस वक्त एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि हम उनको कोई फ्रूट ऑफ थॉट दे सकें, हम उनको कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करके उनको ये एहसास दिला सकें कि इट्स नॉट समथिंग that you will not that you can dodge. Yes, it's definitely going to happen. Acha Kami, so tell me, you were very close to your father. Yeah. So experiencing something like that, how did it change you? Like, what happened in your life and did you grieve? Kya aap roye the? Kya aapne wo experience us tarah se emotionally kiya tha us waqt ya wo sab aapko baad mein hit kiya? Ek बच्चों की ज़िंदगी में माँ बाप का ऐसा रोल होता है कि वो समझ लो उनकी एक प्रोटेक्शन होती है, एक प्रोटेक्टिंग शील्ड, यू नो. और वो सीख रहे होते हैं, उनके लिए उनके माँ बाप एक सुपर हीरो से कम नहीं होते, राइट. और उन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं होता कि वो ऐसे छोड़ के उनको चले जाएंगे, राइट. एक स्ट्रॉन्ग पिलर होता है आपकी ज़िंदगी में जिस पर आप बैठे होते हैं और दुनिया की कोई चीज़ आपको टच नहीं कर सकती. और जब वो आपकी ज़िंदगी से जाते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ यार, अब मुझे दुनिया नज़र आ रही है. और जब डैड व्हेन माय डैड पास्ड अवे तो मुझे एकदम से एक चीज़ हिट की कि अब मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ सब चीज़ों का. अब मैं बड़ा हो गया हूँ. अब मुझे और जो रिलेटिव्स आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, मुझे आके मिल रहे हैं, क्या हो गया क्या नहीं हो गया, तो मुझे उसके अंदर तो रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि मैंने भी रोना है या मैंने भी, मेरे साथ ये हो गया है. सो बेसिकली उस वक्त हिट नहीं होता है. हाँ. मुझे भी याद है कि उस वक्त बिल्कुल ऐसी कोई फीलिंग, मतलब इट वॉज लाइक के अभी मेरे एहसास जो है ना वो डेड है. मैं फील नहीं कर पा रही हूँ कि क्या हो रहा है, बिकॉज वो इतना कुछ हो रहा होता है एक साथ, इतना ज़्यादा कुछ हो रहा होता है. अच्छा, सो सारा, टेल मी समथिंग अबाउट हाउ वाज योर रिलेशनशिप विद योर मदर. यार, बीइंग द यंगेस्ट, आई वाज रियली क्लोज टू हर, तो आई वाज लाइक द बेबी ऑफ द फैमिली. और अभी तक, इतना बड़ा होने तक, आई यूज्ड टू स्लीप विद अम्मी व्हेन शी वाज हियर, जब भी आती थी. सो अम्मी वाज लाइक द सुपर मॉम, ऑलवेज कीपिंग इन टच विद ऑल 6 kids. हम 6 बहन भाई हैं, बड़ी 3 मैरिड हैं, उनके माशाल्लाह बच्चे हैं. सो यू नो, शी वॉज द वन हु इज़ टू कीप इन टच विद बाबा को वो देख रही है, भाई को वो देख रही है, ठीक है. मैं और मरियम लाहौर होते थे, हमें यहाँ देख रही हैं, 3 बहनों को 3 अलग मुल्कों में देख रही हैं. सो शी वॉज ऑलवेज द वन कनेक्टिंग एवरीवन. सो शी वॉज नॉट वेल फॉर अ वाइल, बट ऐसा नहीं था, क्योंकि शी वॉज द सॉर्ट ऑफ पर्सन जो इतना, जैसे माएँ होती हैं मोस्टली, कि पूरे घर को चलाती हैं और अपने ऊपर अटेंशन कम देती हैं. तो मेरा फैशन वीक था 2015, आई वाज अ डिज़ाइनर, सो आई वाज शोकेसिंग माय कलेक्शन. तो अम्मा केम 2 days back, बिल्कुल शो से पहले. तो उस वक्त उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, एंड दिस इज़ अ रिग्रेट दैट विल प्रॉब्ली स्टे विद मी फॉर एवर. एंड फॉर वर्क आई सेड कि यू नो, शी वाज लाइक, आई थॉट द शो वाज इन लाहौर एंड आई थॉट आई कुड सी द शो, एंड आई स्टिल रिमेंबर द वर्ड सो क्लियरली. ऐसे अम्मा, आई एम सो सॉरी बट इट्स इन कराची, सो यू वांट टू कम, सो नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बट आई विल सी यू व्हेन यू गेट बैक एंड जस्ट हैव अ ग्रेट शो. ऑब्वियसली बीइंग अ मदर, शी सेड कि यू नो, इनकरेज किया कि आप जाएं अपना काम करें, यू वर्क सो हार्ड फॉर इट. सो आई वेंट एंड 3 days आई वाज इन कराची. 4th day पे मैं आई और अगले दिन शी लेफ्ट अस रात में. एंड द डे आई अराइव्ड रात को, अगले डे आई वाज अगेन होस्टिंग अ शो फॉर सम लॉन ब्रांड एंड आई डिडंट गिव हर एनी टाइम. And she again said, oh, you have to go again today. I was like, I'm so sorry. It's like I had a commitment and you know, it's a paid job. So you have to commit. So I left.
And unfortunately, the night that I returned after after the event, I came home, and that night I lost her. So I was in such a big shock that I stopped designing for 3 years. Aaj ammi ko takriban June mein 4 saal ho jayenge. So I stopped making my clothes because that was my guilt trip, or maybe you felt it is the reason. Yeah, that I felt. Dekho, Allah ne time likha hua hai, lekin reasons bante hain. Aur I think aajkal ki hum log jo generations hai aur humse jo junior bachche aa rahe. So I think we get so caught up in this world of today that we sometimes ignore the parents. And jaise aapne kaha ki ek protection shield hota hai, and jab hum unhe lose karte hain to humne unhe for granted liya hota hai. So after ammi, I made sure that I don't take my dad for granted, and unfortunately I lost him 6 months back also. So for him, I completely changed my life. I stopped going out as much. I was a very social person, you know, I'm a media personality, so I stopped going out as much. Okay, so Kami, you experienced your father's illness. It was cancer. First you found out about it. It was a process of some days. What was your experience like? सबसे पहले जो एक शॉक था ना, ये था कि वहीं पे आ जाती बात के पैसा जो है ना आपको बचा सकता है. पैसा इज जस्ट लाइक फुलफिल योर बेसिक नीड्स. 3 टाइम का खाना अच्छा खा लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, अच्छा घर ले लेंगे, मगर जो रिश्ते होते हैं उनको पैसे की ज़रूरत नहीं होती. टाइम की ज़रूरत होती है, टाइम की, वक्त की ज़रूरत होती है. और फिर डैड के जाने के बाद एक सबसे जो मेजर चीज समझ में आई कि यार जिंदगी कितनी छोटी है, अनप्रेडिक्टेबल है, और कितना कुछ बदल जाता है. हाँ, एकदम से बदल सकता है, और आपको अवेल करना है हर एक छोटे छोटे मोमेंट को, उसमें खुश रहना है. यूजली लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बट उस टाइम आपको हिम्मत पकड़नी होती है, सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए. सो व्हाट, हाउ डिड इट चेंज यू कामी? व्हाट हैपेंड आफ्टर योर फादर्स डेथ? जस्ट लाइक ये आपको चीज स्ट्रांग बना देती है. आपको सबसे पहली जो चीज़ है, स्ट्रांग हो जाते हैं आप एक तरह से. ये साइड आपकी हमेशा वीक रहती है, आपको एक गिल्ट रहता है कि यार मैंने क्यों टाइम नहीं दिया, मैंने ये क्यों नहीं किया. वो चीज़ रहती है, वो ख़त्म नहीं हो सकती. जब तक हूँ तब तक है. जिसने भी एक्सपीरियंस किया, इवन दो विद सारा, आई एम श्योर शी मस्ट बी एक्सपीरियंसिंग द सेम थिंग. बट या इसके साथ आई डोंट नो, कभी भी एकदम से ये गम ताज़ा हो जाता है, कभी एकदम से आप भूल जाते हैं, कभी एकदम से फिर आ जाती है बात. अच्छा, मुझे लगता है कि हमेशा इट्स हार्ड टू टॉक अबाउट इट, इट्स हार्ड टू रियली ओपन योर हार्ट एंड से दैट ओके इट हैज़ चेंज्ड मी, इट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड मी. दिस चेंज वाज सो बिग दैट इट हैज़ चेंज्ड द मीनिंग ऑफ हाउ आई लुक्ड एट लाइफ. लाइक आई रिमेम्बर कि जब मेरी अम्मा की डेथ हुई थी तो मैं भी लाहौर में नहीं थी. मेरे भाई की पहले डेथ हुई, फिर मेरी अम्मी की डेथ हुई, एंड इट जस्ट द होल, लेकिन ना ये छोटी छोटी चीज़ों का, मटेरियलिस्टिक चीज़ों का तो कोई मायने ही नहीं रहता आपकी ज़िंदगी में. कहते हैं आप क्या ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमें सोच रहे हैं हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए. हमें कल की खबर नहीं है, तो हमें क्या मिलेगा इन सब चीज़ों से? कुछ नहीं मिलेगा हमें. और मैं यहाँ नहीं थी, अगेन वही एक रिग्रेट, वो एक गिल्ट के आई नेवर गॉट टू स्पेंड सो मच टाइम विद हर, डिड नॉट have the experience of, you know, एक इतनी unpredictable बात हुई एकदम से कि मैं जब मुझे news मिली तो I could not believe it. I was like, ये हो सकता है कि इतनी एकदम से ये, I just met her and we were like, why did I not sit with her? Why did I not talk to her? Why was there a lack of commitment that I could not give her? But in this relationship or any relationship of that nature that you have lost and there's a death that has occurred, wo khatam ho gaya. That's gone forever. It's gone forever. You don't have that chance. You will never get to go and say something again. Wo uski bas absence hi hai, a complete utter absence of that person.
Sarah, I remember I met you at that time and you recently lost your mother, and I think we had something very close to talk about at that time. And I think it makes you also connect with people very strongly. It's a big connection. It's like you connect because you can understand what they've gone through. It's that connection. Mandana, agar aap shayad na hoti to main kabhi bhi agree na karti to talk about this publicly, but mujhe ab time guzar raha hai na to abba ko lose karne ke baad I figured out one thing ke pain kam hoti hai jab aap share karte hain. दूसरी बात ये होती है कि a lot of people don't know how to deal with this loss, so they get into bad things. Yes. They get very very bad depression, or sometimes people start taking drugs. I've personally experienced one of my friends losing his mother, and he went into drugs. He got into drugs, and he said just said कि यार दफा करो क्या फर्क पड़ता है, you know. And I said listen, the thing is it's very simple. It's not simple, but it's simple. Yeah. If you understand this one basic point कि हम जो जिस faith के भी हैं. In my case, I'm Muslim. I felt that Allah ki cheez thi, Allah ne le li. Lekin meri maa to thi na, usne mujhe paida kiya tha. To meri to wo jaan thi. She was the love of my life. So I figured ke wo chali gayi hai. So how can I, you know, contribute to losing her? So I decided that I will give more time to my family, to my father, because they were cousins. So he knew her literally before she was even born. So and they were together for 60 years or whatever. Resolution kya thi? Ye thi ki loss ho gaya, suffer kar rahi hu. Main khud acute depression mein thi, but praying namaz really helped me. I was severely depressed for 2 years. Ab 4 saal hone wale hain June mein. So I started taking antidepressants, which kind of helped me. If I need something that's light, that will help me bounce back and do a better job of taking care of my family, and I should definitely go for it. And a lot of us need the antidepressants, only we just don't need the really heavy doses because they can be addictive. So this is something when I now talk to people, I tell them ki it's not wrong. Hamari society mein depression ko ajeeb hi naam de dete hai ki hai to pagal ho gaya, to doctor pe ja rahi, psychiatrist pe ja rahi, to psycho ho gaya. No. So this is something through your show, through your platform, I want to get through to people ki dekho agar aapka ek problem hai, ek loss hai, ek to turn to prayer because that always helps. Number two, if you need to see a specialist, go see them. Be with your friends, be with your family, talk to them. It's really important. I think jo main मुझे लगता है कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा कोर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हैव ब्यूटीफुल फ्रेंड्स लाइक दीज थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस एंड वो आर आर सपोर्ट सिस्टम वी आर ईच अदर्स सपोर्ट सिस्टम लव यू मैन वी डोंट नीड थेरेपिस्ट वी नीड फ्रेंड्स एंड वी डोंट नीड डिप्रेशन पिल्स वी नीड लव थैंक यू गाइस लव योरसेल्फ हैव योर फ्रेंड्स हैव योर फैमिली एंड चाओ